हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ विजय एंड वेलकम टू द कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। इस कोर्स को हमने मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, व्हाट इज़ स्प्रेड, स्वैप क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट पॉइंट कैसे फिल किया जाता है, लॉन्ग पोजिशन क्या होता है, शॉर्ट पोजिशन क्या होता है। तो मतलब एकदम बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देन हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, चार्ट को कैसे रीड करना है, कैंडल क्या बता रही है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती हैं, और जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ करते हैं एग्जैक्टली उसको चलाना कैसे है, वो सब उसके अंदर हम लोग सीखेंगे। देन थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस के न्यूज़ जब आती है तो किसी पेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी करेंसी को अवॉइड करना चाहिए, किस टाइमिंग पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस टाइमिंग पे नहीं करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम रिलेटेड टू न्यूज़ फंडामेंटल एनालिसिस, कौन सी हमको वेबसाइट्स के रेफर करना है, कौन सी चीज़ें चेक करनी है जब हमको ट्रेड लेना है, सो वो सारी चीज़ें हम लोग थर्ड पार्ट में सीखने वाले हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा कैसा होना चाहिए, कितना हमारा डेली का टारगेट होना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना है, कैसे टाइम डिसाइड करना है, कैसे खुद का रूटीन बनाना है, ठीक है, कैसे खुद को मेडिटेट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर सीखने वाले हैं। देन हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हम लोग पहले ऑलरेडी जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बात करेंगे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की, बट एग्जैक्टली डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे हम लोग काम करने वाले हैं स्ट्रेटजीज पार्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करेगी, आप किस पे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए एक अच्छा माइंडसेट बनाने की और चीज़ों को एकदम बेसिक से सीखने की। बेसिक से हम लोग यहाँ पर एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस कोर्स के अलावा आपको किसी भी और चीज़ को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इस कोर्स को अटेंड कीजिए और अपना ट्रेडिंग करियर को आप इजीली स्टार्ट कर पाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉरेक्स मार्केट जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। अब इसका वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है कि कितने लोग बाज़ार के अंदर डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। अगर इंडियन मार्केट से कंपैरिजन करें तो ये साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। इंडियन मार्केट के अंदर कुछ बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड होता है, या कंपैरेटिवली कोई दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर बिलियंस डॉलर का ट्रेड होता है, बट यहाँ पे यू विल बी सरप्राइज कि यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सरप्राइज होता है। अब पर्टिकुलरली जो हमारा इंडियन मार्केट है उसमें जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ इंडियन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इस बाज़ार के अंदर जो एक रिटेलर होता है, रिटेलर हम किसको कहते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, आप कल को एक छोटे से ट्रेडर बन जाएंगे, हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग, उनको हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं। तो इस बाज़ार के अंदर रिटेल ट्रेडर 180 कंट्री से पार्टिसिपेट करता है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें, मैं इंडियन हूं तो मैं सिर्फ उसमें एज अ रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट करता हूं, बट इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 180 देश से भी ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप खुद ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टेंडेंसी के अंदर यहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं और कितना बड़ा ये बाज़ार है और कितनी सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छा पैसा बनाने की, जनरेट कर पाने की। देखिए, सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि यार व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है क्या। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग को अगर आप सर्च करेंगे कि हिंदी अनुवाद क्या है, या फिर अगर आप हिंदी अनुवाद देखेंगे तो ट्रेडिंग का हिंदी अनुवाद होता है व्यवसाय, या जिसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। तो बेसिकली अब बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग है, ठीक है। अब किसी भी बिजनेस का एक रूल होता है, बाय एट
low, sell at high, ठीक है। तो इस तरीके से इस मॉडल पे बहुत सारे बिजनेस जो है स्टेबल किए जाते हैं। लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई ओनियन का धंधा करता है। अब हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारे एरिया में जो प्याज आता है वो महाराष्ट्र की तरफ से आता है, नासिक का प्याज बोलते हैं जिसको, तो क्योंकि उस साइड में खेती ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे हो रहा है, अनियन का ट्रेडिंग हो रहा है। वहाँ से सपोज़ कीजिए यहाँ का कोई जो डीलर है उसने अपना ट्रक भर के प्याज मंगवाया, और लेट से उसने वो ट्रक की जो कीमत थी वो 5 लाख रुपीज़ थी, और जो उसने यहाँ पे सेल किया है वो 6 लाख रुपए में सेल किया है। तो उसका बिजनेस मॉडल सेट हो गया। बिजनेस मॉडल किस बेसिस पे सेट हुआ, बाय एट लो सेल एट हाई, ठीक है, बाय एट लो सेल एट हाई, इस मॉडल पे उसका धंधा जो है वो क्या हो गया, सेटअप हो गया। अब लेट से मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ, लाइक जैसे आसाम से मान लो, अभी तो मैं टाटा टी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन आप भी एक चाय की पत्ती वहाँ से मंगवा सकते हैं। चाय की पत्ती को आपने क्या किया, आपने ब्रांड के साथ पैकिंग कर लिया, और आपने उस ब्रांड को जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी का नाम दे दिया, और दैट इज़ हाउ यू मेक प्रॉफिट। वहाँ से क्या किया आपने, कम पैसे में चाय पत्ती खरीदी और ज़्यादा में ला के यहाँ पे बेच दी, दिस इज़ ऑल्सो द ट्रेडिंग। अब बहुत सारे आपने देखा होगा कि लाइक जब आप सरिया, रेत, बजरी ये सब कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो लोगों ने वहाँ पे ऊपर बिजनेस पे बोर्ड भी लगाया होता है, श्री राम ट्रेडिंग कंपनी, है ना। तो ट्रेडिंग का भाव क्या है कि ट्रेडिंग इज़ समथिंग लाइक बिजनेस, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं कि कम पे खरीदते हैं और ज़्यादा पे बेचते हैं, बस ये इतना सा ट्रेडिंग है। इतना सा हमको वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेडिंग है। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये ट्रेडिंग है, ठीक है, बट हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, जो लोगों का ट्रेड करने का जो स्टाइल है वो फिजिकल प्रोडक्ट से है, जैसे किसी ने प्याज से किया, किसी ने दूध से किया, किसी ने किसी चीज़ से किया। बट इन आर केस हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ दी डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या है, वो डिजिटल प्रोडक्ट है, आप उसको हाथ में लेके नहीं देख सकते, बट यस यू कैन, आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि आपके अकाउंट के अंदर किसी पर्टिकुलरली कंपनी के कितने शेयर्स हैं, कितने किस पेयर की कितनी क्वांटिटी आपके पास है, ये एग्जैक्टली आप ट्रैक कर पाएंगे। तो हमारा जो ट्रेडिंग करने का प्रोडक्ट है वो डिजिटल है, और हम लोग किस फंडा पे काम करने वाले हैं, सिर्फ एक ही फंडा है, बाय एट लो सेल एट हाई, कम पे खरीदना है ज़्यादा पे बेच देना है, दिस इज़ हाउ बिजनेस रन, ठीक है। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है, अब ये डिजिटल प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल जो प्रोडक्ट यहाँ पे है, देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है, इनको हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं। जैसे पहला नंबर वन इज स्टॉक, स्टॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका कोई रिलायंस का आ गया, एयरटेल का आ गया, ठीक है, अदानी पोर्ट आ गया, और भी एक्स वाई जेड एन नंबर्स ऑफ, ठीक है, मित्तल सरिया, ये कोई भी एक्स वाई जेड लेमन ट्री, ये सब के जो हैं बहुत सारे, जैसे MRF टायर है, या फिर हमारा विवांता होटल है, तो इन सब के बहुत सारे जो है शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं एक्सचेंज के अंदर। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल क्या है, स्टॉक्स में लोग कैसे पैसा कमाते हैं, बाय एट लो सेल एट हाई, कम पे खरीदते हैं ज़्यादा पे बेचते हैं, प्रॉफिट बनता है। ये एक सेगमेंट है, डीपली वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, ठीक है, इन दिस कोर्स। तो दूसरा आता है हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, तो ये फ्यूचर का भी सेगमेंट है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी इट इज़ सिमिलर टू स्टॉक ट्रेडिंग,
बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सपायरी होती है और मई मंथली बेसिस पे आप इसको बाय करते हैं। ज़्यादा ज्ञान नहीं लेंगे इसके बारे में, सिर्फ सेगमेंट की पढ़ाई करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग भी क्वाइट, अगर ऑप्शंस का नाम लें तो समथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डेंजरस, दैट इज़ दी ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, नंबर चार पे आता है हमारा कोमोडिटी। अब जो कोमोडिटी ट्रेडिंग है, दैट इज़ दी आपका गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर प्लैटिनम, इन सब के अंदर जो मार्केट में ट्रेड किया जाता है, दैट इज़ योर कोमोडिटी। एंड लिस्ट पांचवे नंबर पे आता है हमारा करेंसी ट्रेडिंग, जिसके बारे में हम लोग इस कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं, दैट इज़ दी करेंसी ट्रेडिंग। तो करेंसी ट्रेडिंग पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलरली कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग को हम लोग फॉरेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो फॉरेक्स आता है, दैट इज कम फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। हमने समझा कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, एक नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है। लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ द डिजिटल प्रोडक्ट, और डिजिटल प्रोडक्ट को जो है उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट है, फ्यूचर है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये ऐसे ही याद हो जाए, ठीक है। कमोडिटी ट्रेडिंग है एंड देन द करेंसी ट्रेडिंग। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन करेंसी ट्रेडिंग इफ लेटर ऑन, ठीक है, वी विल डिस्कस के व्हाई करेंसी ट्रेडिंग इज लाइक मोर स्टेबल ट्रेडिंग एज कम्पेयर टू अदर एसेट्स, अदर सेगमेंट्स, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं या करेंसी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का हिस्सा ऑलरेडी रह चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कभी फॉरेन ट्रिप पे बाहर गए होंगे, या फिर आने वाले टाइम में फॉर श्योर आप जाने वाले हो। तो अब हमारा फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, जब हमें एग्जैक्टली किसी कंट्री के अंदर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे भैया, उस देश की करेंसी बाय करेंगे और अपनी करेंसी को बेच देंगे। दैट इज़ दो करेंसी का आपस में एक्सचेंज होना, वहीं से फॉरेन एक्सचेंज आता है, उसी को फॉरेक्स कहते हैं, उसी को करेंसी में ट्रेड करना कहते हैं। अब लेट से कि जैसे कि मुझे अमेरिका जाना है भैया, ठीक है, तो USD INR के नाम से हमारा प्राइस आता है, विच इज़ अराउंड 83 रुपीस, ठीक है। अब इसमें मतलब क्या है कि एक डॉलर बाय करने के लिए हम 83 रुपीस अपने पे करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एक्सचेंज हो गया बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। दो कंट्री के एक्सचेंज रेट से एक प्राइस आता है कि वो उस कंट्री का एक डॉलर खरीदने के लिए कितने अपनी करेंसी सेल करेगा, दैट इज योर वैल्यू, ठीक है। अब लेट्स से कोई और कंट्री का मैं अगर नाम लूं, जैसे GBP JPY, अब इसके अंदर मतलब क्या है, GBP होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यानी कि इंग्लैंड की करेंसी है, JPY जापान की करेंसी है। तो मतलब एक पाउंड, ठीक है, एक पाउंड खरीदने के लिए उसको कितने जापानीज येन, जापान की करेंसी होती है येन, कितने जापानीज करेंसी जो है वो सेल करने पड़ेगी। लेट से इट इज 186 रुपीज, 186 रुपये है, ठीक है। अब दो कंट्रीज का जो एक्सचेंज प्राइस है, दैट इज डिफरेंट, हर कंट्री का करेंसी की एक कीमत होती है, ठीक है। तो हम बेसिकली किसी देश की इकोनॉमी पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। हर कंट्री की एक वैल्यू है, उस कंट्री की वैल्यू से ही हमारा एक पेयर का प्राइस आता है। अब द मेन थिंग इज़ कि ये जो प्राइस है ना,
दिस प्राइस इज कीप फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, ये कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ये भी कभी कम होता है ये ज़्यादा होता है. नाउ अब मैं फर्स्ट रीज़न दूंगा व्हाई द करेंसी मार्केट इज बेस्ट टू डू, क्योंकि देखो जब हम लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो पर्टिकुलरली किसी हम जो कोई कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी के अंदर क्या चीज़ें, क्या अच्छा चल रहा है क्या बुरा चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ पे हम लोग ट्रेड करते हैं. लेकिन हमारी जो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है, जैसे सपोज़ कीजिए मैं रिलायंस में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, रिलायंस का एक प्राइस है. अब रिलायंस के अंदर जो प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो डिपेंड करता है उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे, पर्टिकुलरली कंपनी कितने ऑर्डर लेके आ रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उस चीज़ पे. तो कोई भी कंपनी अगर हाइट पे बैठी है तो वो कंपनी ज़ीरो हो सकती है. अगर पास्ट में एग्जांपल लूँ मैं यस बैंक का, यस बैंक का शेयर कभी तो 200 रुपये के प्राइस पे चलता था और आज वो प्राइस अभी मुझे एक्जैक्टली रिमेंबर नहीं है क्योंकि मैं इंडियन मार्केट को क्विट करके कम्प्लीटली तो इसको कर रहा हूँ. तो अभी जो लास्ट टाइम था वो शायद 3-4 रुपये के आसपास प्राइस रहा होगा यस बैंक का. 200 रुपये की चीज़ 3 रुपये में आ गई. लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है कि हम पर्टिकुलरली किसी कंपनी की परफॉर्मेंस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की परफॉर्मेंस पे, पूरे देश की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है. सो ये सबसे बेस्ट चीज़ है इस सेगमेंट की. ये मेरे को सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है कि यदि आप सोच समझ के अच्छे से करेंगे तो आप जो है वो अच्छे से मार्केट को ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि किसी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतने बड़े देश में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करना बहुत इजी है. तो आप कभी भी बहुत बड़े ट्रैप का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं. अभी मैं आज देखिए, आज जैसे 12 तारीख है, 12 अगस्त जब हम लोग इस कोर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 10 तारीख को एक न्यूज़ आती है जो हिंडनबर्ग जो एक रिसर्च एजेंसी है तो उसने अदानी के बारे में कुछ कहा है कि अदानी के अंदर मैनिपुलेशन चल रहा है, ये वो सब चीज़ें ऐसा कुछ बोला उसने. और आज मॉर्निंग में क्या देखने को मिला कि स्टॉक जो है वो फटाक से गिर जाता है. तो ऐसे मैनिपुलेशंस वहाँ पे चलते रहते हैं, बट यहाँ पे चलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. आइए चार्ट पे देखते हैं कि प्राइस जो है फ्लक्चुएट कैसे करता है. अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये USD INR मैंने लगाया, तो ये इंडियन इसका प्राइस है, ठीक है. मान लो दिस इज द प्राइस ऑफ $1, ठीक है, $1 के कंपैरेटिवली कितने INR पे करने पड़ेंगे, दैट इज USD INR. तो ये प्राइस जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन इस पेयर के अंदर उतना वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से आपको क्लियर कैंडल यहाँ पे दिखाई नहीं दे पा रही है. मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था आप लोगों को GBP JPY का, यानी कि £1 खरीदने के लिए कितने जैपनीज येन देने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमको £1 मिल सके. ये देखो, ये आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है सुबह मॉर्निंग से लेके ये 6:30 बजे से लेके अब शाम तक क्या हुआ, पहले प्राइस नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर फाइनली ऊपर गया. तो फंडा क्या है, बाय. हमने क्या सीखा, ट्रेडिंग क्या है, धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, बाय एट लो सेल एट हाई, बाय एट लो सेल एट हाई. अब अगर मैं इसको यहाँ पे बाय करता, ठीक है, 186.81, और देखो 186.81 से इसने कहाँ तक प्राइस लगाया है, आज 189 रुपीस तक गया है, ठीक है. सो हमको, हमारा जो ये कोर्स है, हमारी जो स्टडी है वो सिर्फ इसी चीज़ की है कि हमको इस बात को ट्रैक करना है कि कब प्राइस जो है वो डाउन में था, लो पे था जब हम उसको बाय कर सकते थे, और कब वो अपने हाई पे था जब हम उसको सेल कर सकते थे. बस इतना सा ही ट्रेडिंग है, लेकिन इतना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता. यस, तो लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है. थ्रू विद दिस कोर्स हम लोग कंप्लीट गाइडेंस हासिल कर लेंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें करनी कैसे हैं.